वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सिंगल परचेस क्रैक। सिंगल परचेस क्रैक मशीन यूज़ होती है फॉर टू लिफ्ट हेवी लोड। जितने भी मशीन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, मतलब सिंपल एक्सेल एंड व्हील, डिफरेंशियल एक्सेल एंड व्हील, उसके कंपेयर करेंगे, उसे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फॉर द लिफ्ट हेवी लोड वी हैव टू यूज़ द सिंगल परचेस क्रैक। सिंगल परचेस क्रैक मशीन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लिफ्ट हेवी लोड। एकदम सिंपल है, यहाँ पे आपको सिंपली फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूला का यूज़ करके न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करना है। सिंगल परचेस क्रैक मशीन और जितने भी मशीन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उसका आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जितने भी मशीन है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, आपका जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, नहीं तो उसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोला जाता है, वहाँ पर आपको आपके जो मैनुअल में उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करोगे तो हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो, ये आपको फार्मूला वहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, कैसे वेलोसिटी रेशियो वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे मैं तो डायरेक्टली फार्मूला लिखा है, लेकिन वहाँ पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आप वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करोगे। फिलहाल आप फार्मूला ध्यान में रखिए, वेलोसिटी रेशियो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंगल परचेस क्रैब, वेलोसिटी रेशियो फार्मूला 2L/D (N1/N2), देन और एक फार्मूला है D/d (n1/n2). तो डी मतलब क्या है, कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील, एल मतलब लेंथ ऑफ द हैंडल, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ द लोड एक्सल, N1 नंबर ऑफ टीथ ऑन पर व्हील, ध्यान में रखिए N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन पर व्हील, देन N2 नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन व्हील। पिनियन व्हील एकदम सिंपल है, यहाँ पे सिंपली आपको फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन वन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन का न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है, सिंपली फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन वन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सिंगल परचेस क्रैब हैज़ द फॉलोइंग डिटेल्स, लेंथ ऑफ द हैंडल, तो लेंथ ऑफ द हैंडल दी मतलब आपको ए वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो लेंथ ऑफ द हैंडल एल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम, देखिए डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम, डायमीटर ऑफ द लोड एक्सल और डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम दोनों एक ही है, मतलब आपका स्मॉल डी 20 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, ध्यान में देखिए नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन फार्मूला के हिसाब से देखिए, N2 मतलब आपका है नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, तो N2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन 16, देन N1 नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्पर कितना 80, कितना 80 N1 का वैल्यू। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी रेशियो, देन सेकंड आपको फाइंड करना है एफर्ट रिक्वायर्ड, एफर्ट रिक्वायर्ड मतलब P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रेज ए लोड W का वैल्यू दिया है 2 kN, मतलब 2×10⁻³ N, 2 kN मतलब 2×10⁻³ N, इफिशियंसी ऑफ मशीन 75%। सिंपल वही फार्मूला आपको यूज़ करना है जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ये मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला, इफिशियंसी का फार्मूला, वही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। सिर्फ चेंज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो के फार्मूला में चेंज होगा। फॉर सिंगल परचेस क्रैब, उसमें और एक मशीन है डबल परचेस क्रैब, उसका भी हम लोग स्टडी करेंगे। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला, वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू 2L/D, 2L/D इंटू N1/N2, तो वैल्यू पुट अप करेंगे 2×, देखिए यहाँ पे आपका लेंथ और डायमीटर का वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो उसे सेंटीमीटर में ही रखिए 2L, 2×40 डिवाइड बाय डायमीटर का वैल्यू 20×, N1 का वैल्यू 80, N2 का वैल्यू 16, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है वेलोसिटी रेशियो 2×40 डिवाइड बाय 20×80 डिवाइड बाय 16, आपका वेलोसिटी रेशियो आ रहा है 20, आपका वेलोसिटी रेशियो आ रहा है 20। देन हमें क्या फाइंड करना है, एफर्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, इफिशियंसी ऑफ मशीन, इफिशियंसी ऑफ मशीन से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करेंगे, इफी
सीएनसी ऑफ मशीन, इफिशियंसी ऑफ मशीन इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे इफिशियंसी आपका कितना दिया है, इफिशियंसी ऑफ मशीन है 75%। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी रेशियो आपका आया 20 इंटू 100। तो 20 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 75। राइट साइड में आपका वैल्यू क्या है, एम ए इंटू 100, तो 100 को डिवाइड में लेंगे, डिवाइड बाय 100, तो आपका एम ए का वैल्यू आ रहा है 15, एम ए का वैल्यू आ रहा है 15। एम ए मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट, एम ए का वैल्यू है आपका 15, मैकेनिकल एडवांटेज 15। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी लोड अपॉन एफर्ट, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी लोड अपॉन एफर्ट। तो एम ए का वैल्यू 15, लोड का वैल्यू हमें दिया है 2 × 10³ न्यूटन डिवाइड बाय पी, तो पी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और 15 को पी के जगह पे लिखेंगे, तो 2 × 10³ डिवाइड बाय 15, तो वैल्यू आ रहा है 133.13 न्यूटन, जो कि आपका एफर्ट का वैल्यू 133.13 न्यूटन। एकदम सिंपल है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दिया है, अ सिंगल परचेस क्रैब हैज़ द फॉलोइंग डिटेल्स, नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्पर। देखिए नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्पर मतलब क्या, आपका एन वन का वैल्यू, एन वन का वैल्यू कितना है 125। नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन मतलब एन टू का वैल्यू 25। डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील, देखिए डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील मतलब कैपिटल डी यहाँ पे आपको दिया है, डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील आपको कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम, लोड ड्रम नहीं तो लोड एक्सल दोनों सेम है, स्मॉल डी का वैल्यू आपका कितना है 16 सेंटीमीटर। ए लोड ऑफ 250 न्यूटन, यहाँ पे लोड का वैल्यू दिया है 250 न्यूटन, इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट, इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट, पी का वैल्यू दिया है पी इज इक्वल टू 32 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द इफिशियंसी ऑफ द मशीन, यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, इफिशियंसी ऑफ द मशीन। तो सिंपल है एकदम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, देन हम लोग इफिशियंसी ऑफ मशीन फाइंड आउट करेंगे। देखिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ हैंडल तो हमें नहीं दिया है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, 2L के जगह कैपिटल D, तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल परचेस क्रैब कैपिटल D, दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है तो कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, 40 डिवाइड बाय 16 n1 125 डिवाइड बाय 25। तो आपका वेलोसिटी रेशियो का आंसर आ रहा है 40 डिवाइड बाय 16 × 125 डिवाइड बाय 25 12.5। आपका वेलोसिटी रेशियो आ रहा है 12.5, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन कितना आ रहा है 12.5। देन मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज एकदम सिंपल है, मैकेनिकल एडवांटेज में एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट डब्ल्यू अपॉन पी, तो एम ए का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, लोड का वैल्यू कितना है 250 डिवाइड बाय एफर्ट, एफर्ट का वैल्यू कितना है 32। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी 250 बाय 32 7.81।
250/32 7.81 हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। देन इफिशियंसी ऑफ मशीन फाइंड आउट करेंगे, देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है ये, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये न्यूमेरिकल आपको फास्ट प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, यही फार्मूला यूज़ करना है, सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान से लिखना है, वेलोसिटी रेशियो का, इफिशियंसी ऑफ मशीन फार्मूला क्या है, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो इफिशियंसी ऑफ मशीन फाइंड आउट करेंगे, एम ए का वैल्यू 7.81, वी आर का वैल्यू 12.5 इंटू 100। तो 7.81 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 100 62.48 हो गया आपका इफिशियंसी ऑफ द मशीन 62.48। एकदम सिंपल है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट मशीन स्टडी करेंगे डबल परचेस क्रैप। यहाँ पे भी आपका सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है, थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। तो सिंपली यहाँ पे आपको वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना है, और अगर पूछा है तो मैकेनिकल एडवांटेज इफिशियंसी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डबल परचेस क्रैप। वेलोसिटी रेशियो 12/D इंटू N1/N2 इंटू N3/N4। अनदर फार्मूला है, एक तो यहाँ पे लेंथ ऑफ हैंडल होगा, नहीं तो डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील होगा। तो एल मतलब क्या, लेंथ ऑफ द हैंडल, डी मतलब डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील कैपिटल डी, और स्मॉल डी मतलब डायमीटर ऑफ द लोड एक्सल नहीं तो लोड ड्रम। और N1 और N2 क्या है, देखिए N1 इज इक्वल टू N3, N1 इज इक्वल टू N3 मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्पर व्हील, ध्यान में रखिए जो आपका न्यूमरेटर में है नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्पर व्हील। देन N2 इज इक्वल टू N4 नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन व्हील, ये ध्यान में रखिए। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन वन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन, इन अ डबल परचेस क्रैप हैज अ टू पिनियन, देखिए टू पिनियन हैव 12 टीथ ईच। तो पिनियन के लिए हमने क्या यूज़ किया है, N2 और N4। तो N2 इज इक्वल टू N4, दोनों वैल्यू सेम है। वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, टू पिनियन हैव 12 टीथ ईच, दोनों को सेम टीथ है, मतलब N2 इज इक्वल टू N4 सेम टीथ है, 12 टीथ ईच, एंड टू स्पर व्हील हैव। स्पर व्हील के लिए हमने क्या यूज़ किया है, N1 इज इक्वल टू N3 और N1 और N3, तो उसके लिए वैल्यू सेम है, N1 और N3 दोनों का वैल्यू सेम है, 72 टीथ ईच दोनों के लिए कितना है, 72 टीथ ईच। डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम इज, देखिए डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम इज मतलब स्मॉल डी का आपका वैल्यू है 22 सेंटीमीटर। लोड ड्रम नहीं तो उसे हम लोग लोड एक्सल बोलते हैं। देन एफर्ट व्हील कैपिटल डी का आपका वैल्यू है 65 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी रेशियो फॉर डबल परचेस क्रैब। और डबल परचेस क्या हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी रेशियो, आपका वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है, यहाँ हम लोग यहाँ पे डायमीटर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू N1/N2 इंटू N3/N4, वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों सेंटीमीटर में। तो 65/22 इंटू N1 का वैल्यू कितना है, 72 इंटू N3 का वैल्यू भी कितना है, 72। दोनों वैल्यू आपका सेम है, N1 और N3 का वैल्यू सेम है, यहाँ पे N2 और N4 का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे कितना आएगा, N2 और N4 12 12। तो आपका वेलोसिटी रेशियो का आंसर है, एकदम सिंपल है,
65.22 इंटू 72 डिवाइड बाय 12 इंटू 72 डिवाइड बाय 12 106.36। तो वेलोसिटी रेशियो का आपका आंसर आ रहा है 106.36। ये हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल था। शायद यहाँ पे आगे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे दिया होगा। एकदम सिंपल है, डबल परचेस क्रैप का एकदम सिंपल फार्मूला है, जैसे सिंगल परचेस क्रैप का था वैसे यहाँ पे आपका N3 और N4 का वैल्यू एक्स्ट्रा है बस, बाकी वही आपको फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। वेलोसिटी रेशियो 106.36, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको MSBT के सिलेबस, MSBT का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन और वहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा और कुछ लाइव सेशन भी वहाँ पे होंगे आपके डाउट क्लियरिंग के लिए। तो आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको एडमिशन रिलेटेड और एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिलेंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। डबल परचेस क्रैप का ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2। डबल परचेस क्रैप हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। हैंडल, यहाँ पे आपको हैंडल दिया, मतलब ये वाला फार्मूला आएगा। लेंथ ऑफ द हैंडल कितना है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन क्या बोला है, टीथ ऑन द पिनियन ऑन एफर्ट एक्सल। टीथ ऑन द पिनियन बोला है, देखिए यहाँ पे वर्ड में कन्फ्यूज कर सकते हैं। टीथ ऑन द पिनियन यहाँ पे बोला है, टीथ ऑन द पिनियन मतलब हमने क्या यूज़ किया है पिनियन के लिए, N2 और N4 है। तो एज्यूम करता हूँ N2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, N2 का वैल्यू है टीथ ऑन द पिनियन 10। टीथ ऑन स्पर ऑन काउंटर एक्सल, स्पर स्पर के लिए, तो देखिए यहाँ पे स्पर के लिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे स्पर है N1 और N3। तो एज्यूम करता है फर्स्ट है आपका N1, तो N1 का वैल्यू हुआ 50। देन अगेन टीथ ऑन द पिनियन, तो पिनियन के लिए हमने क्या यूज़ किया, N2 और N4, तो ऑलरेडी N2 यहाँ पे लिख दिया, तो N4 का वैल्यू कितना है, टीथ ऑन द पिनियन काउंटर एक्सल 20। देन नेक्स्ट टीथ ऑन द स्पर ऑन लोड एक्सल, तो स्पर के लिए देखिए स्पर के लिए हमने क्या यूज़ किया है, N3, N1 और N3, तो N3 का वैल्यू यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे वैल्यू आएगा 100। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आपका गड़बड़ भी हो गया, मतलब अपने वैल्यू उल्टा पुल्टा कर दिया, मतलब सिर्फ स्पर का वैल्यू, जो स्पर का वैल्यू है समझो, स्पर का वैल्यू आपका हमने नोटिफिकेशन क्या किया है N1 और N3, आपने गलती से N3 की जगह N1 का वैल्यू लिख दिया समझो, यहाँ पे वैसे हो गया, यहाँ पे आपने N1 की जगह N3 लिख दिया और यहाँ पे N3 की जगह N1 लिख दिया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वैल्यू इंटरचेंज हुआ तो भी चलेगा लिखते टाइम। और तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, N1 इंटू N3 मतलब क्या है, किसके लिए हमने यूज़ किया है, नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्पर व्हील, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्पर व्हील, प्रोडक्ट मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सेव N2 और N4 का वैल्यू भी चेंज हो गया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा गड़बड़ नहीं करना है, पिनियन का वैल्यू स्पर को, स्पर का वैल्यू पिनियन को, ऐसा गड़बड़ किया तो आपका प्रॉब्लम और रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू तो आपको मिल गए। देन क्या बोला है, डायमीटर ऑफ ड्रम, तो हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ हैंडल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो बचा स्मॉल डी, तो स्मॉल डी का यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है आपका, स्मॉल डी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। फाइंड वेलोसिटी रेशियो, क्या बोला है, फाइंड वेलोसिटी रेशियो, तो यहाँ पे डबल परचेस क्रैप फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, 2L/D, 2 इंटू लेंथ ऑफ हैंडल कितना है 40, तो डायमीटर का वैल्यू भी सेंटीमीटर में, इंटू N1 का वैल्यू 50, N3 का वैल्यू 100, 50 इंटू 100 डिवाइड बाय N2 और N4, 10 और 20, 10 और 20, तो वेलोसिटी रेशियो का आपका आंसर है 2 इंटू 40
तो वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू आपका आ रहा है 100। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल इजी, यहाँ पे आपको प्रॉपर वैल्यू पुटअप करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 100। हमने सिंगल परचेस स्क्रैप और डबल परचेस स्क्रैप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, एक नहीं तो दो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, वैसे दो न्यूमेरिकल आए आपका हो गया 8 मार्क्स का। तो जितने भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन है उसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। और देखो सिंपल सिंपल फार्मूलाज है, कोई डिफिकल्ट फार्मूलाज नहीं है, सिर्फ आप यहाँ वहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई कीजिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। अगर ये वीडियो में कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन बटन है तो उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।